हेलो जी। हेलो, क्या हाल है सबके? आज की वीडियो भाई बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी से, बहुत ही फेमस शख्स से मिलने जा रहे हैं। बहुत बड़ी एक यूट्यूब पर्सनालिटी से हम मिलने जा रहे हैं, तो उन उनसे आज मिलेंगे और कुछ टेस्टिंग वगैरह भी करेंगे उनके साथ मिलके। तो आज चलो वीडियो में देखते हैं कि क्या होता है आगे। सीट बेल्ट जरूर पहने। तो चलो देखते हैं कि वो शख्स कौन होने वाले हैं, किन से हम मिलने जा रहे हैं। वैसे आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, और आगे मिलके आज क्या धमाल करते हैं हम, क्या कोलैबोरेशन होती है हमारी, तो उस चीज़ में हम देखते हैं आगे। वो खड़े अपने भाई, इनसे मिलवाते हैं आपको। ये रहे अपने भाई। तो भाई जिनके बारे में हम बात कर रहे थे वो है अपने भाई अरुण पवार भाई। इनको इंट्रोडक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते होंगे। यूट्यूब सेंसेशन हो चुके हैं आजकल, ये दिल्ली एनसीआर में ना सब जानते हैं। तो भाई अपने यूट्यूब सेंसेशन है, पूरे दिल्ली एनसीआर में सब जानते हैं। मतलब जो गाड़ी को प्यार करता है ना, अरुण भाई को पूरा प्यार करता है। तो ऐसे ही प्यार बना रहे भाई। तो आज हम क्या चीज करेंगे भाई, आप ही बता दो। चलो करेंगे। दो क्या साइल डोज है, दोनों डीजल है, पूरा इंजन वगैरह सेम है, बस डिफरेंस जो ट्रांसमिशन का है। ट्रांसमिशन में ये है कि ये ऑटोमेटिक है और वो वाली मैनुअल है, सब कुछ सेम है, इंजन वगैरह सब कुछ सेम है। तो बस हम ये चेक करेंगे कि किसका पिकअप ज्यादा अच्छा है, कौन अच्छा परफॉर्म करेगी अगर पिकअप वाइज में देखेंगे तो। वैसे भी देखें तो गियर बॉक्स अगर आप मैनुअल से ऑटोमेटिक शिफ्ट होते तो डिफरेंस कितना रहता है पिकअप में, वो हाँ, चीज भी अगर आ जाएगी कि अगर मेरे को लोगों का ये पिकअप करना। कंसर्न रहता है ना कि मैन ऑटोमेटिक वाली अच्छे से उठती नहीं है, मैनुअल वाली उठती है। तो वो आज हम देखेंगे कि भाई लोगों का क्या कंसर्न रहता है और कितना डिफरेंस आता है दोनों चीजों में। तो हम लोग अब मैनुअल और ऑटोमेटिक का दोनों को शुरू करेंगे। आप एक्चुअल ड्रैग रेस अगर आपको देखनी है तो आप अरुण पवार भाई के चैनल पर जा सकते हैं। अरुण पवार के नाम से चैनल है यूट्यूब पे। और बाकी एक नॉर्मल जनरल कैजुअल अगर आपको देखना है तो आप इस पे देख सकते हैं। तो ये मेरी वाली डीजल 1.5 CRD ऑटोमेटिक है, और वो सेम इंजन के साथ मैनुअल में है। कोई डिफरेंस नहीं है गाड़ियों में, और दोनों में हम चेक करेंगे कि किसमें पिकअप में और सारी चीज। और इसका, हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि मैं स्पोर्ट्स मोड में, तो स्पोर्ट्स मोड में भी चेक करेंगे। पहले नॉर्मल ऑटोमेटिक में करेंगे, फिर एक जो मैनुअल इसका स्पोर्ट्स मोड आता है उसमें भी चेक करेंगे कि कैसे क्या डिफरेंस आता है दोनों गाड़ियों में। तो भाई अब शुरू कर रहे हैं, और इसे प्लीज कोई भी करे, इसे ऐसे कोई भी ना कॉपी करे। ये बहुत ज्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ किया गया है, और पूरा सीट बेल्ट और सारी चीजों का उपयोग करते हुए। ध्रुव भाई, इसको पहले आप ऑटोमेटिक में चला रहे हो मैनुअल में? मैं इसे पहले ऑटोमेटिक में चलाऊंगा, उसके बाद मैनुअल में करेंगे। ठीक है भाई, अभी इसको निकल जाने देते हैं। तो यहाँ पे होगा भाई अपना फर्स्ट राउंड। ये हायर आरपीएम पे चली जाती है कि भाई फर्स्ट राउंड में? अच्छा, करो फर्स्ट राउंड है भाई। 3 2 1 तो सही दे रही है भाई, अपने आप गियर चेंज हो रहे हैं भाई, इसमें फुल एक्सलेट कर रखा है, और इतने में ही जो मैनुअल वाली अपनी है आगे निकल गई है। तो फर्स्ट राउंड की अगर विनर की बात करें तो वो है मैनुअल। क्या चल रहा है ब्रेकिंग तो है इसकी अच्छी, हाँ ब्रेकिंग बढ़िया, क्योंकि चारों चार डिस्क डिस्क है। है। तो भाई ये था अपना सेल्टोस और क्रेटा। ओ बस ये लगा लो आप, 0.2 या 0.3 मिली सेकेंड का फर्क है मैनुअल और ऑटोमेटिक में। बाकी पिकअप दोनों का सेम है,
थोड़ा सा बस ऑटोमेटिक में डिले है, क्योंकि इसका कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उसे थोड़ा सा समझने में और गियर चेंज शिफ्ट करने में वो 0.23 मिली सेकेंड्स का जो टाइम लगता है वही लगता है। बाकी तो उसमें तो आप अपनी उससे चेंज कर रहे होते हो तो तुरंत चेंज हो जाते हैं, तो बस ये डिफरेंस था इसमें। तो आप भाई, मैं तो क्या ही बताऊंगा आपको, जो हमारे सामने इतने वो बैठे हैं कार मास्टर, यही बताएंगे कि भाई डीजल और मैनुअल में क्या, वो ऑटोमेटिक और मैनुअल में क्या फर्क आया। भाई मास्टर मास्टर तो कुछ नहीं कह रहा, जो प्रैक्टिकल चीज थी वो हमने देखा, तो मैनुअल ही जीतती है। और एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था, अगर जैसे हम इसको मैनुअल में चलाएंगे, आप कहोगे कि इसको मैनुअल में चलाओ तो 2000 ऊपर से आरपीएम से ऊपर जाती नहीं, वो कहां 5000 चढ़ जाती है, तो यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। ऑटोमेटिक में तो चढ़ जाती है 5000 आरपीएम, मैनुअल में नहीं चढ़ती। और चलो जो भी है, हमने आपको डिफरेंस बता दिया और चॉइस आपकी है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, अच्छी लगी तो लाइक करें। ओके बाय।